नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल्फी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आतंकित है, जिसके कारण हमारे देश में भी लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। आज 3 हफ्तों से अधिक हमारा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, जिसके कारण कल कारखाने, स्कूल कॉलेज बंद है। इस स्थिति में जो ऐसे लोग थे जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो गरीब तबके के थे, आज उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति आ गई है। ऐसे में सरकारें तो उनकी मदद कर रही हैं, लेकिन कई सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो उनके लिए अच्छी पहल कर रही हैं, उनकी सहायता कर रही हैं। ऐसे ही एक नाम है प्रोफेसर दिग्विजय सिंह जी का, जो हमारे आसनसोल के निवासी हैं और काफ़ी नेक काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय से ही वो लगातार सुदूर इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, और उन्हें खाना मुहैया करवा रहे हैं। इसके साथ ही उनका एक सराहनीय काम है, जो वो दूधमुहे बच्ची को दूध की व्यवस्था करवा रहे हैं। आज मिलते हैं दिग्विजय सिंह जी से और सुनते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, अच्छा, आप अभी क्या करते हो? मैं भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, स्टडी सर्कल का। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी का यूथ विंग है, और मैं अभी यूजीसी भारत के मानव संसाधन मंत्रालय में कार्यरत हूँ। हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में जहाँ पे सब लोग लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं, इवन आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, आप बच्चों को दूध पहुँचाने का भी इंतजाम किया है। ये माइंड में आपका कब और कैसे आया? जी, हम लोगों ने पहले दिन ऑफ लॉकडाउन से राशन वितरण शुरू किया। घरों में जाकर चावल, दाल, आटा और ज़रूरत की पदार्थें पहुंचा रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे इन्फेंट्स हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनको दूध की आवश्यकता है। तमाम माताओं से, बहनों से बात करके पता चला कि वहाँ पर दूध की समस्या बहुत है, सप्लाई भी बंद हो गया था। और हम लोगों ने इसको दो वे किया कि हम लोग लोकल खटालों में भी देख रहे थे कि दूध का परचेज़ बंद हो चुका है, तो हम लोग लोकल खटाल में जाकर लोकल खटालों से बात करके दूध वालों से हमने कहा कि आपके दूध हम परचेज़ करेंगे। और हम लोगों ने शुरुआत 3 खटालों से की, जहाँ से हम लोगों ने 30 लीटर दूध प्रतिदिन, 25 से 30 लीटर दूध, 3 खटालों से हमने लगभग 70 से 75 लीटर दूध इकट्ठा करके तमाम इन्फेंट्सों को, नवजात शिशुओं को बांटना शुरू किया। एरिया कौन कौन सा था, कहाँ ये कहाँ? एरिया दूध, पहले हम लोगों ने दूध छोटे जगह से शुरू किया, अपने घर के पर धर्मपुर में, हुसैन नगर, धर्मपुर, रांगापाड़ा, आगे रांगापाड़ा और तमाम जगहों पे, जो कि धर्मपुर रंगापाड़ा बेल्ट में आता है, वहाँ से शुरू किया। और अब धीरे धीरे हमें बनपुर टाउन, बनपुर में हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने साता में भी दूध भेजा था, और हमारी कोशिश ये है कि जहाँ से भी हमें ये फ़ोन आता है कि यहाँ पे भैया हम लोगों ने 20 लोगों का ऐसे बच्चे हैं, हमने लिस्ट बनाया। राशन में भी हमें पांडेश्वर से फ़ोन आया, दुर्गापुर से फ़ोन आया, बांकुड़ा से फ़ोन आया, तो हम बांकुड़ा में भी हम तो जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है, तो हम लोगों ने लोकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डेवलप किया कि वहाँ हमारा कौन व्यक्ति है। और हर जगह हमने हर वार्ड वाइज 2 नाम निकाले कि इस वार्ड में हमारा 2 व्यक्ति है। अच्छा, इसके अलावा क्या कर रहे हो? हम लोग मेगा किचन भी चला रहे हैं, जैसे कि जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कभी हम लोग जानते हैं कि आसनसोल स्टेशन में बहुत लोग फंसे हुए हैं, बनपुर स्टेशन में फंसे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर खाना नहीं बन सकता है, राशन दे भी देंगे तो वो खाना बना नहीं सकते हैं, तो उनके लिए 300-400 लोगों का खाना बनता है, खिचड़ी बनता है, वो पैक होकर चला जाता है। और ये 2 जगह बन रहा है, एक रामबान में बन रहा है और एक हमारे यहाँ बन रहा है, तो एक दिन यहाँ बनता है, एक दिन रामबान में बनता है, और 300 से 400 खिचड़ी के पैकेट्स बनते हैं और हर दिन डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस मुसीबत के करीब हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप यहाँ पे ये इतने सारे फंड कैसे अराइज कर रहे हो आप लोग? हम लोगों का फंड बेसिकली डे 1 से ही हमने सोशल मीडिया कैंपेन रेज किया था, और हम 5 दोस्तों ने इसको शुरू किया। मेरे 5 मित्रों ने कहा कि हम लोग सब अपने सैलरी देते हैं, तो मैंने कहा हम लोग अभी लॉकडाउन में फंसे हैं तो 1 महीने की सैलरी तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने घर में सक्षम हैं और हम अपने 1 महीने की सैलरी से ये शुरुआत करते हैं। तो 5 दोस्त सबसे, मतलब आपको बताऊं कि सबसे सराहनीय बात यह है कि 5 दोस्तों ने एक बार में हाँ किया, और हम 5 दोस्तों ने जब शुरू किया तो उसके बाद ये मूवमेंट जैसा बन गया। हमें ऑनलाइन इतने सपोर्ट मिलने लगे, लोग हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम चावल देना चाहते हैं, हम दाल देना चाहते हैं। पर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद जो है वो देना चाहूँगा अपनी राष्ट्र अध्यक्षा पूनम महाजन जी को, जिन्होंने #BJYMCares शुरू किया। इस #BJYMCares के माध्यम से ना केवल आप अपने ज़िले में बल्कि पूरे भारत में मदद की
गुहार लगा सकते हैं। जब भी जो कहीं भी कोई फंसा हुआ है वो ऑनलाइन ट्विटर पे सिर्फ हैशटैग BJYM कैश करके ट्वीट करता है और विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर उस तक मदद पहुंचती है। तो ये जो सोच है ये कल्पना के परे है और मैं इस पर हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा को जिन्होंने ये पहल शुरू की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुहिम है। आप देखिए कि झारखंड का कोई व्यक्ति, आप जो ये बात कह रहे हो बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। हाँ, अब उनको अगर अपने प्रॉब्लम शेयर करना हो तो क्या क्राइटेरिया, क्या सिस्टम, क्या कैसे करेंगे वो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब ट्विटर, बहुत लोग ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन आपके अगल बगल लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, आपके अगल बगल लोग सोशल मीडिया पे हैं और उनको पता भी है। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने अपना फ़ोन नंबर भी फ्लोट किया हुआ है, सब कुछ फ्लोट किया हुआ है, लेकिन आप अगर ट्विटर पे #BJYMcash लेके अपनी समस्या शेयर करेंगे, आप अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आपके हम पूर्णता, हमारी पूरी टीम है जो मॉनिटर करती है इस हैशटैग को, हम तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और वहाँ हमारा जो लोकल कॉन्टैक्ट होता है, जैसे मैं अभी बंगाल में हूँ पर हमारा कोई आसनसोल का व्यक्ति बैंगलोर में फंसा है, और ऐसा हुआ भी कि बैंगलोर से हमें फ़ोन आया, हमें झारखंड से फ़ोन आया कि यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, तो हम लोगों ने तुरंत वहाँ पे अपने बैंगलोर के या झारखंड के BJYM कार्यकर्ता को कहा और वहाँ पे तुरंत जाकर उन्होंने सहयोग पहुँचाया। तो ये पूरी टीम जुड़ी हुई है जहाँ पर हम लोग तुरंत मदद मुहैया कराते हैं। और ये मैं लोगों को भी ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपको, आप ये हैशटैग यूज़ कर सकते हैं और आपको कहीं भी पूरे भारत में मदद की आवश्यकता है, जेन्यून मदद की। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ लोग हमारे पास ये भी शिकायत आई कि कुछ लोग राशन स्टॉक कर रहे, तो मैं हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ राशन स्टॉक ना करें, ज़रूरतमंदों तक पहुँचने दीजिए। इस मुसीबत की घड़ी में हम लोगों ने देखा कि आपने अपनी पूरी सैलरी दे दी, आपके फ्रेंड भी पूरी सैलरी दे दी है, आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, जो लोग रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है ये करके? नहीं नहीं, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई फीलिंग के लिए, हाँ मतलब आदमी के इंटेंशंस हैं, ये सब आप सीखते हैं, मतलब हम लोग अपने समावेश से सीखते हैं। मैं जिस संगठन से आता हूँ उस संगठन की संकल्प ही यही है कि हर गरीब तक हम राशन और भोजन पहुँचाएंगे, तो ये संगठन का एक शक्ति है या ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, परिवार की भी ट्रेनिंग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक भी हम सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ खबर आता है कि कहीं खाना नहीं मिल रहा है, रोज़ वीडियोस ऐसे मार्मिक वीडियोस आते हैं जिसको देखकर आपका दिल दहल जाता है। तो अभी हम संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, हमारी प्रयास ये है कि हम आखिरी घर तक पहुँच पाए, जैसे कि हमारे संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमें हर आखिरी व्यक्ति तक, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचना है, तो हम आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी घर तक जब तक नहीं पहुँचेंगे हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो वोट ले लेते हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका मोबाइल ऑफ है। जी ये मैं बिल्कुल इस इंटरव्यू को पॉलिटिकल नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह प्रश्न आया और ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये पॉलिटिकल माहौल नहीं है, इसमें सारी देश पार्टी, जाति, धर्म, इन सब के विपरीत होकर काम कर रही है, ऊपर उठकर काम कर रही है, जो कि सराहनीय है। पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ तमाम पदाधिकारियों से, यहाँ जो लोकल काउंसिलर्स भी हैं जिनका फ़ोन बंद आ रहा है, बहुत लोगों की शिकायत आ रही है कि सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, राशन वितरण नहीं हो पा रहा है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि राजनीति अपने जगह है, आप पदाधिकारी हैं, आप चुन कर आए हैं, जनता ने आपको वोट दिया है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर एक्टिव रहिए, कम से कम लोगों की समस्याएं सुनिए, आप सुनेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं हैं और जब तक आप उनका समाधान नहीं करेंगे तब तक लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। तो NGO, सिविल सोसाइटी, लोग कर रहे हैं, सब ठीक है, पर जनता के प्रतिनिधि का कर्तव्य है ये काम करने का, और मैं सबसे विनती करता हूँ हर जनता के प्रतिनिधि से कि ये आपको करना चाहिए। सोसाइटी का एक तबका जो डेली खाता, डेली कमाता, जब उनको ये खबर मिली कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया, थोड़ा सा मायूस हो गया, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार TV पर आए और उन्होंने लॉकडाउन कहा, तो प्रधानमंत्री जी का जो पूरा एक मुहिम है, उनका मुहिम ही यही है कि लोगों में मनोबल ऊपर है। आप देखेंगे कि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने 6 महीने के लिए लॉकडाउन कर दिया है, पर प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद, श्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ पर नेतृत्व अपने हाथ में लेते हुए और पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हुए खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, हमें क्या करना चाहिए, गाइडलाइंस बता रहे हैं मदद करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। आपने देखा होगा कि 7 गाइडलाइंस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, अपने अगल बगल ज़रूरतमंदों का ध्यान रखें, और ख़ास करके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को कहा है कि अपने किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट ना करें, उनका वेतन ना रोकें। तो ये आप देख सकते हैं कि राजनीति नहीं है, ये संवेदना है, गवर्नेंस विद एम्पैथी। हमारे यहाँ जो शासन है वो संवेदना के साथ एक शासन है। तो ये जो गवर्नेंस मॉडल है, मैं चाहता हूँ कि विश्व में पूरा भारत को, पूरा विश्व भारत से सीख रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी जी
का जो नेतृत्व है इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया जा रहा है कि यहाँ पे केवल लॉकडाउन लगा देने के लिए नहीं लगाया जा रहा है, लॉकडाउन में हर ज़रूरतमंद तक किसी तरीके से सरकार या सरकार की एजेंसीज पहुँच पाए उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो मैं जनता से कहूँगा कि अपना मनोबल ना गिरने दें, हम इस सब में वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हम सब इसमें एक साथ हैं और जैसे जो जिस पे बन रहा है हम सब करेंगे और सरकार पूरी तरीके से आपके साथ। हम लोग देख रहे हैं कि 20 दिनों में आप बहुत मुसलसल काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है और जो लोग जो लड़के आपके साथ काम कर रहे हैं उसके लिए क्या कहोगे? बहुत मतलब लोगों का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि आसनसोल पूरा जिला से हमें हर जगह से फ़ोन आ रहा है और युवाओं में एक अलग तरीके का जोश है, पर जो कि लॉकडाउन है तो हमने सबको कहा है कि कोई घर से नहीं निकलेगा। हम बहुत प्लान वे में काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि सब लोग राशन बांट रहे हैं, पर सबसे हाथ जोड़कर विनती प्रिकॉशंस लें। हम लोगों ने अभी फेस शील्ड भी ऑर्डर किया है, हमारी 100 लोगों की फेस शील्ड आ जाएगी, हर वार्ड में हम दे देंगे। और हम लोग अपने जैसे दिग्विजय सिंह अगर रांगापाड़ा में तो रांगापाड़ा से बाहर नहीं जा रहा है, ये आपको पालन करना होगा कि अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। एक व्यक्ति राशन लेके जाएगा और अपनी लोकेलिटी में देकर और पूरे सेफ्टी के साथ वापस आ जाएगा, डोर टू डोर करके, कोई लाइन भी नहीं। किचन बन रहा है तो खाना पैक होके लोगों के घर तक जाएगा, आप खाना खिलाने के लिए लोगों को लाइन नहीं लगवाएंगे क्योंकि आप भीड़ नहीं करना है। तो लॉकडाउन का कृपया पालन करें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉकडाउन आपके हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए लगाया गया है। लॉकडाउन का बिल्कुल स्ट्रिक्टली हर गाइडलाइन का पालन करें क्योंकि अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है और यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें मिलकर लड़ना होगा। हमने कहा कि इसे हम दो चीज़ से हरा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से और सोशल पार्टनरशिप से, सामाजिक डिस्टेंस मेंटेन करके और सामाजिक पार्टनरशिप से। तो ये दोनों मेंटेन करना पड़ेगा, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम इसे नहीं हरा पाएंगे। सर लास्ट में एज ए हिंदुस्तानी आपका क्या मैसेज है? मेरा, हम एक ऐसे देश रहे हैं जिससे पूरा विश्व सीखता है, हम विश्वगुरु थे और हम विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे ये विनती करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इस पहल में सब कुछ भुलाकर, सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक साथ इस आह्वान का साथ दीजिए। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि भारत ही ऐसा देश है जो कोरोना को हरा सकता है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम लोग अगर अपनी सारी कर्तव्यों का पालन करने लग जाएं और इस लॉकडाउन को बहुत गंभीरता से लीजिए, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों का, सबका ख्याल रखिए, अपने अगल बगल प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि कोई भूखा ना सोए, तो आप देखिएगा कि हम इस महामारी से विजय होकर ही निकलेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद।